कि इन लोगों ने सरनेम सारे वही वाले उठाए जो बुद्धिस्ट के थे, जो उनके पढ़ाने वाले नाम थे, इन लोगों ने नहीं किया। मार्क्सवाद की आलोचना इसी बात पे होती है कि उसने जातीय संघर्ष पे नहीं बात करता है, चर्चा नहीं करता है, आरोप उस पर लगता है कि ब्राह्मणवाद को एक तरह से बचाता है, उसका जो स्याह पक्ष है उसको बचाता है। हाँ जी अंकित, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, जय भीम सर। हाँ जी जय भीम जी, बताएं सर। बहुत अच्छा था। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर कि मैक्स मुलर ने ट्रांसलेशन किया है करीब 1869 में, और दयानंद सरस्वती का सर मैं वही कह रहा था कि जी मैं वही कह रहा था कि दयानंद सरस्वती की डेथ हुई थी 1883 में, और मैक्स मुलर ने जो ट्रांसलेशन किया था वो किया था 1869 में। तो सर 14 साल में क्या दयानंद सरस्वती को पता नहीं कोई आके मिलावट करके चला गया? नहीं, दयानंद सरस्वती ने कभी नहीं कहा कि मैक्स मुलर ने या किसी अंग्रेज ने या जर्मन ने मिलावट की। एक बात सभी लोग अच्छे से जान जाइए कि ये सारा प्रोपगंडा जो है ना, पिछले 30-40-50 साल में जब सारे जो 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 जिनको ये शूद्र कहते थे, जिनको पिछड़ा कहते थे, या जी जो गैर ब्राह्मण लोग थे, ये सब लोग जब किताब पढ़ पढ़ के आप प्रतिक्रियाएं नए भारत में जब एजुकेशन सिस्टम में सब गए हैं, जितने भी गैर ब्राह्मण, अब वो लग जब किताबों को पढ़ पढ़ के लिखना शुरू किए, इसमें से कुछ जो मार्क्सवादी भी इतिहासकार थे, जो थोड़ा सा एजुकेटेड थे, क्योंकि थे तो वो भी ब्राह्मण ही, लेकिन पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, तो उन्होंने भी जब पढ़ा तो भले ही जातियों का विरोध नहीं किया, लेकिन धार्मिक ग्रंथों पर कटाक्ष किया है उन लोगों ने भी। तो जब उन्होंने पढ़ के ये जब निकालना शुरू किया, तो जो सो कॉल्ड ये जो राइट वाला जो ब्राह्मण था, राइट विंग वाला, इसने अब ये कहानी का पोलना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये ना मैक्स मुलर मिलावट करके गया, क्योंकि वो अंग्रेजी में पढ़ लिख के गया था, और वो सब पढ़ते थे तो वो दिखाते थे कि देखो तुम्हारा कंपाइल हुआ तो ये हुआ वो हुआ, और वो लोग अंग्रेजी में भी किताबें लिखे हैं, इंटरनेशनल तौर पे गई, तब इन लोगों ने हाईलाइटेड करना शुरू कर दिया कि वो मिलावट कर दिया। अन्यथा दयानंद सरस्वती का चेला जो है ये सब हल्ला किए हैं इधर जब पूरा पोल खुल गया तो। लेकिन अब जैसे डीडी कौशाम्बी हैं, तो डीडी कौशाम्बी तो जाति के ब्राह्मण थे, पर उनकी पूरी किताब आप पढ़ेंगे तो उनको ये कहेगा कि उन्हें मार्क्सवाद से प्रेरित इतिहासकार थे भाई। इसी तरह से रोमिला थोपर को कहेगा, इसी तरह से जितने भी जो लोग हैं जो ब्रह्मनिकल सोसाइटी के तरफ से, आज जो लोग थोड़ा तर्कशील होकर लिखे, देखिए जातीय वर्ग पे इन लोगों ने नहीं किया। मार्क्सवाद की आलोचना इसी बात पे होती है कि उसने जातीय संघर्ष पे नहीं बात करता है, चर्चा नहीं करता है, आरोप उस पर लगता है कि वो ब्राह्मणवाद को एक तरह से बचाता है, उसका जो स्याह पक्ष है उसको बचाता है। लेकिन जो जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ है उस पर उन्होंने टीका टिप्पणी की है, इसको कोई काट नहीं सकता, मतलब इसको कोई कह नहीं सकता कि नहीं की है। तब इन लोगों ने हल्ला किया है राइट विंग वालों ने कि नहीं मैक्स मुलर मिला गया, समझ रहे ना। नहीं तो दयानंद सरस्वती के किसी लेख में या कहीं पे भी उसने तो कहा कि ब्राह्मणों ने मिलावट की है। दयानंद सरस्वती जो है उसने ब्राह्मणों को कहा कि ब्राह्मणों ने मिलावट की है, उसने कहीं नहीं कहा कि अंग्रेजों या मुगलों ने मिलावट की है। बताया यहाँ पे ये लोग गपोरे जा रहे हैं कि मैक्स मुलर आके मिलावट कर गया और सभी ने मिलावटी किताब पढ़ी। मतलब सर बोलते हैं ना कुछ भी, मतलब बिना इतिहास रियल हिस्ट्री को पढ़े ये लोग जो है सो जो मन में आया वो गपोड़ दिया, यही ये लोग करते हैं। सर एक चीज जो है ना सर, मतलब जैसे मेरा साथी झा है सर, मैं इस पे ना एक शॉर्ट रिसर्च करके लिख रहा हूँ कि झा का ओरिजिन जो है। अब देखिए सर मुझे एक चीज का ये कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि झा और उपाध्याय का कहीं अगर कनेक्शन मिल जाएगा तो सर इसे ये भी पता चल जाएगा कि जो झा लोग होते थे वो भी बुद्धिस्ट होते थे, ये मुझे पता है। उसी क्लू को मैं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि जैसे स्ट्रिंग में भी लिखा गया है कि बुद्धिस्ट ये सॉरी उपाध्याय जो होते थे वो बुद्धिस्ट होते थे, है ना। तो इस चीज को मैं जो है वो लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मतलब मेरे एरिया में जो भी जितने भी लोग हैं, हालांकि मेरे अगेंस्ट मतलब बहुत लोग अभी हो चुके हैं, मेरे परिवार वाले, मेरे मतलब कलीग्स दोस्त या जो भी लोग हैं, ठीक है, अभी मेरे को मतलब बहुत बहुत कुछ कहते, बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं सुनता मैं, क्योंकि गलत मैंने यही कह रखा है सभी को कि मैं गलत चीजों पे कभी भी विश्वास नहीं करूंगा, चाहे आप लोग कितना भी कुछ भी कहिए, ठीक है सर। तो मुझे बस इन लोगों को यही चीज दिखाना है कि जो मतलब सरनेम से झा लगा कर आए हैं वो अपने आप को कहते हैं कि मतलब जाहिर सी बात है उन लोगों को भी पता है कि ब्राह्मण है, लेकिन मुझे पता है कि सर
उन लोगों का किसी ना किसी टाइम में ब्राह्मणिज्म में कन्वर्जन किया गया होगा, है ना सर? हाँ जी, देखें जो झा हैं तो पुराने में भी जब आज़ाद हुआ था देश, उसके बाद से भी झा नाम की एक हरिमोहन झा थे, शायद आपने नाम सुना होगा, जी हरिमोहन झा। उन्होंने एक किताब लिखी थी जी जी खट्टर काका, और उस खट्टर काका में जी सारे धर्म ग्रंथों को बहुत ही चुटीले अंदाज में खटिया खड़ी कर दी थी। तो जी हाँ, उसमें उन्होंने बड़ा, वो किताब फेमस किताब है खट्टर काका, सारे धर्म ग्रंथों को दो किरदार रखते हैं, और उससे जो है जब कहीं वो किरदार जाता है तो धर्म ग्रंथों के माध्यम से कहता है, कह रहे धर्म ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वैसे कर करके हर जगह जो है पूरा खाल खींचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो झा सरनेम से लोग हैं उनमें ऐसे तर्कशील लोग नहीं पैदा हुए हैं, हुए हैं। उपाध्याय जो जो वो था, जो पदवी थी उपाध्याय, मुखोपाध्याय, आज देखिए आज कई लोग चट्टोपाध्याय लिखते हैं, तो इस तरह के बहुत सी चीजें हैं। लोगों ने क्या किया है कि पिछले जब विश्वविद्यालय जलाए गए, खत्म किए गए, उसके बाद से वो सरनेम बना लिए। तो सरनेम बना के हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि इसमें से कुछ लोग जो हैं उसमें पढ़ाए रहे होंगे, उसके बाद से ही उसको सरनेम किसी ने बना लिया होगा और बना के उसको कंटिन्यू कर दिया होगा, और वो जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ का, वो चीजें खत्म कर दी गई होगी। ब्राह्मणिकल सिस्टम आया तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर के उनके साथ मिल गए होंगे और वहां से वो चीज कंटिन्यूड हो गई होगी। ये इसकी एक पॉसिबिलिटी होती है। सारे ब्राह्मणों की तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की, जैसे बंगाल के जो ब्राह्मण होते हैं उनके बारे में ये माना जाता है कि पहले तो बंगाल में झारखंड बिहार सब आता था, तो ये माना जाता है जी कि उस एरिया के जो लोग थे वो 17वीं 18वीं सदी तक भी बुद्धिस्ट ही थे एक तरह से, वो धीरे धीरे जो है ब्राह्मणी उसमें आए हैं, जब कुछ बचा ही नहीं तो रूप ही बदल गया तब उसमें आए हैं। इसी तरह से साउथ में भी कहा जाता है कि साउथ में भी 17वीं सदी तक बुद्धिज्म रहा है, सिर्फ नॉर्थ वेल्ट जो है ना उस उधर ही 12वीं 13वीं 14वीं सदी तक जो है ह्रास हो गया, नहीं तो बाकी भारत में 17वीं 18वीं सदी तक भी जिंदा रहा है, फॉर्म धीरे धीरे बदल रहा था उसका, और बदलते बदलते आज आजादी के बाद से तो उसने ऐसा फॉर्म बदल दिया है कि हिंदू हिंदू कह के एक अलग ही फ्लेवर दे दिया इन लोगों ने, तो ये चीज हुआ है। जी, अब तो सर मुझे भी यही लगता है कि ये तब तो बुद्धिस्ट ही होगा ये झा सर, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ सर कि होगा, क्योंकि कुछ कनेक्शन मिल रहा है। हालांकि मैंने अपने घर में भी पूछा था कि इसके ओरिजिन के बारे में, तो सभी ने यही कहा था कि ये उपाध्याय से ये इसका लिंक है। अगर ऐसी बात है तब तो ओरिजिनल चीज यही है कि ये लोग भी बुद्धिस्ट ही होंगे। तो सर बस यही एक यही चीज मैं खोज कर रहा हूँ। जी सर, ठीक है, मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ। अब मुझे काफी पॉइंट्स मिले हैं, और भी देखता हूँ जो पॉइंट्स अगर कड़ियाँ जुड़ती हैं तो इसको भी सामने लाया जाएगा। सरनेम का जो इतिहास है इस पर काम हम लोग का चल रहा है। हालांकि सरनेम तो पिछले इन्होंने जानबूझकर 150-200 सालों में जानबूझकर क्रिएट किया, डिफरेंस दिखाने के लिए, समझ रहे ना, इन्होंने जी डिफरेंस दिखाने के लिए। पर वहां पे गड़बड़ी क्या हुई कि इन लोगों ने सरनेम सारे वही वाले उठाए जो बुद्धिस्ट के थे, जो उनके पढ़ाने वाले नाम थे, समझ रहे ना। हाँ, तो अब सवाल ये है कि उन्होंने उसी के क्यों सरनेम उठाए, और बहुजन समाज हाँ जो है उसको ये बात क्यों नहीं पता चला, और फिर बहुजन समाज जो है या तो अपने को कुमार लिखने लगा और या फिर वो अपने कुछ कुछ ऐसे सरनेम देने लगा। ये सारा काम जो है अंग्रेजों के समय में हुआ है, तो इस पर हम लोगों का काम जी चल रहा है। इसका अगर चीजें आती हैं, जी सच्चाई भी आएगी, वो हम लोग ले आएंगे। ठीक है फिर अंकित, ओके। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।